भाई देखो हमें क्या मिला, स्टेट तो बर्ड। भाई अभी हम चोपटा जा रहे हैं और चोपटा के रास्ते में पंगेर पड़ता है और हमने अभी गाड़ी रुकवाई है। और सामने का व्यू अगर मैं आपको दिखाऊंगी ना, आप हैरान देखो ये व्यू यहाँ का कितना ज्यादा मस्त लग रहा है ना। तो अभी हम वहां चलेंगे। फोटो वोटो के चक्कर में बारिश आ गई थी ज्यादा तेज, तो हम भाग रहे हैं बस। हाँ ज्यादा तेज आ गई। भाई कभी बारिश कभी बादल, अब देखो अब बारिश आ गई फिर से। अभी बादल थे अब बारिश आ गई। तो फाइनली हम तुंगनाथ पहुंच चुके हैं और सामने है तुंगनाथ का मेन स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब ट्रैक जहाँ से स्टार्ट है पूरा। तो यहाँ से हमें ट्रैक करके जाना है, लेकिन अभी बारिश आ रही है इसलिए अभी हम अभी पहुँचे ही हैं। तो थोड़ा सा कुछ खा हुआ के अभी स्टे करेंगे और मे भी कल सुबह ट्रैक करें, क्योंकि बारिश भी हो रही है और थोड़ा सा यहाँ पे भी रुकेंगे। तो भाई मैं तो आई हूँ, सारे उधर चाय पी रहे हैं और मैं यहाँ पे आई हूँ वॉशरूम ढूंढने के लिए, 50 मीटर पीछे की तरफ। तो यहाँ पे चलने का वॉशरूम ढूंढने का भी अलग मजा है। चोपटा ना मिनी स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं इसको। अभी तो हल्की हल्की सी बारिश आ रही है तो मैं भी अभी ट्रैक शुरू करेंगे, लेकिन मेरे को तो नहा के करना है। मुझे ठंड नहीं लग रही अभी, तो नहीं लग रही, बाकी सब यहाँ पे स्वेटर पहन के घूम रहे हैं। भाई पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे ना वॉशरूम ढूंढने में इतना मजा आ रहा है। सामने देखो, दाएं देखो, पीछे देखो, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, मेरा मन कर रहा है नीचे तक चली जाओ वॉशरूम ढूंढते। ओ माय गॉड, ओ शिट, ये देखो झरना, ओ वाओ कितना मस्त लग रहा है। ये देखो ये यहाँ से बहता हुआ आ रहा है, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। और तुंगनाथ ऊपर जब जाएंगे ना मंदिर के ऊपर, तो और भी सुंदर नज़ारा है। बस बारिश रुक जाए, क्योंकि सनसेट और सनराइज ऊपर का ना बहुत शानदार है। देखो वॉशरूम मिल गया। अब कहाँ जाके है, यहाँ से ऐसे नीचे नीचे जाके उधर वॉशरूम बने हैं, तो मैं यहाँ से कैसे जाऊँ भाई, गिर गई तो। अरे कैसे जाऊँ, फिसलेगा तो नहीं, वो शायद रास्ता उधर है, उधर से जा रहे हैं सारे। बताओ इतनी सुंदर जगह है कि वॉशरूम तक का व्लॉग बन गया। ये मैंने कहीं देखा था, इसको खाते हैं शायद, ये जो रेड रेड होता है ना, शायद शायद ये जो छोटे छोटे हरे हरे लगे हुए हैं इसमें, जो लाल लाल है ये खाने वाले ना। हाँ लाल लाल से है, हाँ। यही ना, ये जो हरे हरे इसमें भी, तो उसमें भी लगे हुए नीचे जो है। अच्छा उसकी तरह है, बेर वेर की तरह ना, खट्टा लगता है। तो देखा मैंने एक ब्लॉग, किसी के ब्लॉग में देखा था, तो वो फ्रूट है उसको खाते हैं। तो अब मैं हो आई हूँ, अपना वॉशरूम ब्लॉग को कंप्लीट कर लिया मैंने। और अब यहाँ का देखो नजारो, कौन कहता है भाई कि इंडिया में देखने लायक जगह नहीं है। मतलब मेरा बस लेना, मैं इंडिया के अलावा कहीं और, मेरा बाहर का कुछ है ही नहीं, मेरा मन ही नहीं है बाहर का। कहते ना कि बाहर जाने का मन है, ये है वो है, मैंने कभी बाहर के लिए सोचा ही नहीं, क्योंकि इंडिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी जगह हैं कि पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी तब भी आप पूरी नहीं कर पाओगे। देखो तो अभी वहाँ जाना है मुझे, वहाँ बैठे हैं सारे, तो वहाँ चलते हैं। तो आ गई मैं, देखो कितना मस्त लग रहा है। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं ऊपर, हमने ऊपर ही रूम ले लिया है, मतलब ऊपर रूम की बात कर ली है, तो मिल ही जाएगा ऊपर रूम, ऊपर खाली है और नीचे जो है ना सारे फुल है। तो अब ऊपर ही जाके रहेंगे मस्त तुंगनाथ मंदिर पे। और अभी ऊपर जाने के लिए ये काम चला हुआ रेनकोट लिया है, तो ठीक है बारिश से ही बचना है। तो अब मैं ट्रैक करते हैं और रास्ते में दिखाती दूंगी, और बैटरी भी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, तो देखते हैं कब तक चलेगा। मे भी ऊपर तक चल जाएगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है, सिर्फ 2-3 घंटे ही लगेंगे। तो चलो जय। फोटो खींचनी है, तो ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है, सिर्फ 2-3 घंटे का है, लेकिन हमें ऐसे ही बारिश में जाना है ना, और खड़ा ट्रैक है तो इस वजह से सांस भी फूलेगी। तो शुरू करते हैं ट्रैक।
देखो कितना सारा प्लास्टिक, और यहीं पे लिखा हुआ है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नो प्लास्टिक जोन, धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो अभी हमें ऊपर चढ़ते चढ़ते हुए हैं 4 या 5 मिनट और हम रुक रुक के चल रहे हैं, ये सीधी अरे क्योंकि ये सीधी खड़ी चढ़ाई है और अब हमने यहाँ पे रेस्ट लिया पानी पीने के लिए। तो ये नेचुरल पानी, बात थकान की नहीं है, बात ये है कि अभी हमने ना खाया नहीं है, मेन बात ये है। सुबह पराठे खाए थे, उसके बाद कुछ खाया नहीं, फिर अभी चाय भी पी लिया था, तो इस वजह से सामने थोड़ा सा डाउन चल रहा है। लेकिन पीछे का व्यू देखो, तू मैं हाथ देख रहा हूं, पीछे सोना ढूंढ रहे हैं और सामने देखो, सामने हीरा और पीछे सोना ढूंढ रहे हैं, इधर हीरा है, ये सोना ढूंढ रहे हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये पेड़ देखो कैसे है, मस्त लग रहा है बड़ा। हाँ लो बिच्छू भी मिल गया, मेरे को भी देखना है। मर गया, केकड़ा है, मर गया। ऐसा लग रहा है कि आज खाना किसी को लिया, किसी से इंतजार लग रहा है। तो वाह देखो कितना ज्यादा मस्त लग रहा है ना, मिनी स्विट्जरलैंड। इधर देखो क्या मिला मुझे, घोड़े की नाल, कोई पहनना चाहेगा इसको? लकी होती है बताइए, अगर जंग लगी हुई हो तो जंग है। तो हमें मिली, लगा तो हुआ है जंग, तो घर में इसको उल्टा लटका देना। घोड़े की नाल मिली, ऐसे ही आप खोज करते हुए चलते रहो, कुछ ना कुछ ना कुछ मिलेगा। ये हमारे मास्टर के भाई साहब ये तलाश करने आए, यात्रा करने आए, तलाश करने आए। ये लो ये लो ये लो, इतना सुंदर लग रहा है कि ये भावनाओं में बह गई। फोटो देखा था ना, अब वहाँ जा रहे हैं हम फोटो वोटो खींचने के लिए। तो चलो चले नील गगन को, अब इसको क्या बोलते हैं, पार्टी बुलाओ, इसको नया नाम दे दिया, पता नहीं इसका नाम। तो वहाँ कुछ मिला है, जाके देखते हैं क्या मिला, शायद नजारा ही मिला होगा बहुत ज्यादा सुंदर वाला। ओ शिट वाओ देखो झोपड़ी कितनी मस्त लग रही है यहाँ यार, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। ट्रैक से हम इतनी दूर आ गए, वो ट्रैक सामने रहा और हम ट्रैक से इतनी दूर आ गए हैं। तो इतना चलने के बाद अब इतनी मुश्किल से आगे एक दुकान आई है, तो अब यहाँ कुछ खाएंगे। और देखो वहाँ से आए हम, वहाँ से सामने से शॉर्टकट लेके सीधा यहाँ से चल गए। तो मौसम चाय अंदर बैठ के पी रहे हैं, मौसम चाय हो रहा है, बहुत बढ़िया बनी है। हाँ जी, अगर कोई फजर सुला लो यहाँ पर आपको, आप यहाँ सुलाने की व्यवस्था नहीं है भाई, यहाँ ऐसे ही फंस गए यार, फिर उल्टा ठंडी में चला गया, फिर कौन जवाब दे, इतना ठंड हो जाता है, हमारे पास साधन नहीं। रात में अभी हो जाएगी क्या ठंड, साधन नहीं ओढ़ना ओढ़ने के, नहीं वो तो हमारे पास है। डरा दिया अंकल ने, नहीं बोल रहे, ऊपर हम होटल की बात कर लिया, होटल में तो कमरे जाओगे वहाँ तो व्यवस्था है हमारे पास। अच्छा ऊपर जाने का अंधेरा हो जाएगा ना, तो चाय ब्रेक हमारी हो चुकी है, अब आगे बढ़ते हैं, 1 घंटे का ट्रैक और रह गया और उसके बाद सीधा मिलेंगे पार्वर मुंह से केदारनाथ ही निकलता है, मिलेंगे सीधा तुंगनाथ मंदिर पे। अभी 1 घंटा है, मतलब ऐसा वो बोल रहे थे, लेकिन जिस हिसाब से हम चल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है 2 घंटे तो आराम से जाएंगे। ये खड़ी चढ़ाई है, कुछ ज्यादा ही खड़ी है, ठीक है बहाने क्या दे। भाई अंकल आ रहे ना, शॉर्टकट लेके आ रहे थे, गिरे ऐसे मुंह के बल, बच गए, गिरे थे यार, मतलब मुंह ऑलमोस्ट जमीन के पास था। अभी भी शॉर्टकट से आ रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी भी सीधा ही आ रहे हैं, अब हम भी शॉर्टकट से चढ़ना मुश्किल नहीं है, उतरना जो है खतरनाक है। और ये हमारे ब्लॉगर, इनको बहुत ज्यादा पानी प्यास लग रही है, तो ये इतनी ऊंचाई पे पानी है, पोपट हो गया, पानी नहीं है, पोपट हो गया, बोतल से पी लो पानी, पानी शेयर हो रहा है, इतनी ऊंचाई पे पानी भी नहीं है। नहीं नहीं इसमें नहीं है ना, चलो वो घूम घूम। अच्छा कैसा फील कर रहे हो? बहुत ज्यादा जबरदस्त,
क्या रह गया? दो पैर बचाओ। तो बीच बीच में मैं ऐसे आए जा रही हूँ, लेकिन मैं व्यू दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं देख रही हूँ तो आप सबको दिखाऊँ, और व्यू कुछ ऐसा है, बहुत ज्यादा। अभी मैं वहां नहीं चढ़ रही जहाँ पे वो भैया बैठे हैं, वहां से तो उधर देखने में ही खतरनाक है बहुत ज्यादा, और यहाँ से ही देख लो, और ये देखो ऊपर हमारे बिल्कुल सामने यहाँ से सूर्यदेव निकल रहे हैं, और ये देखो खाई नीचे सीधा सीधा खाई खत्म, फिनिश टाटा बाय बाय। देखो वहाँ आगे तक जाना है हमें, वो सामने तक। यहाँ का एक्सपीरियंस ना अलग लेवल का, मतलब केदारनाथ से भी अलग लेवल का। केदारनाथ में अभी जहाँ पे हमने चाय पी थी ना, तो वो अंकल बता रहे थे कि जो केदारनाथ बाबा है वो बहुत भोले हैं, और जो तुंगनाथ बाबा है वो बहुत ज्यादा नटखट बता रहे थे, तेज बता रहे थे। तो मतलब इनकी 4 किलोमीटर की चढ़ाई बहुत ज्यादा भारी है भाई, मतलब कहने को 4 किलोमीटर है, और मेरे हिसाब से अभी तक किसी ने व्लॉग में ये नहीं बताया कि 4 किलोमीटर कहते तो है कि बस 4 किलोमीटर है, लेकिन ये बस 4 किलोमीटर नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही बस 4 किलोमीटर है। लेकिन जो भी है, इतना सुंदर नजारा है ना, अभी तो ऊपर से और भी ज्यादा सुंदर होगा, तो ऊपर चलते हैं पहले। तो भाई देखो हमें क्या मिला, स्टेट बर्ड। तो ये है उत्तराखंड की स्टेट बर्ड, जिसका नाम है हिमालयन मोनाल, जो कि हिली एरियाज में उत्तराखंड में बहुत रेयर नजर आती है। तो भाई और बहनों फाइनली मंदिर आ गया, भोलेनाथ बाबा बैठे हैं, तुंगनाथ मंदिर, तो वहां तक जाना है बस हमें, और हम इतनी कठिन चढ़ाई 4 किलोमीटर की पार कर चुके हैं। तो ये रहे हमारे तुंगनाथ बाबा, और ये हमारा होटल के लोग भी यहाँ जा रहे हैं, पता करते हैं अगर यहाँ के रेट ठीक होंगे तो यहीं जाएंगे, नहीं तो एक और है आगे देखते हैं। हाँ देखो ये रूम है जिसमें हमें 4 बेड मिले हैं, और इसी में ही हमें रहना है, जैसे कि केदारनाथ में मिला था सेम वैसे ही। और अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, खाना हमारा बन गया, और ठंड मतलब इतनी ज़्यादा है ना, मुझसे तो ये भी नहीं बर्दाश्त होगी भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है, और मेरे पास कपड़े भी नहीं है, बस कंबल ही सहारा है जो रात को ठंड से बचाएगा। और अब खाना किधर से है? अच्छा अच्छा बाबा बता दिया ना तुम्हें, खिंच जाती हमने ना इस ट्रैक को बहुत हल्के में लिया था, लेकिन भोले बाबा ने बता दिया बेटा तुम गलत जगह फंस गए हो, और अब खाना खा के ताकत आएगी, विटामिन सी से भरपूर है, दे दो भैया जो भी है। क्या अंगूर ठंडा है कि ठंडा हो? तो ब्लॉगर को भी दो, दिखाओ वीडियो में अपने ब्लॉगर, वो देख पहाड़ी अंगूर खा, क्या बोलते हैं इसको, लंगूर, ओ सॉरी अंगूर, ग्रेप्स ग्रेप्स ग्रेप्स, पहाड़ी अंगूर है ये। अब गरम गरम भैया ने खाना बना दिया है, इसको ठंडा नहीं होने देते, जल्दी जल्दी खा लेते भाई, इसको रहने दो, भैया दाल दे दो फटाफट, बहुत सारी भैया आने वाले हैं। तो दाल भी आ गई है, चावल भी आ गए हैं गर्मा गर्म, उल्टियां नहीं कह रहा मैं, इसमें भी डाल दो, निकल के आ रही है देखो कितना मतलब कितना गर्म है कि ऐसे धुआं निकल रहा है, और ये देखो ऊपर हमें पापड़ भी मिल गए गर्मा गर्म, और पापड़ प्लस में दाल ये खा लो, थैंक यू भैया, यहाँ पे आया हूँ किसी को मैं तो छोड़ने हैं, छोड़ दूंगा, पर खाना इतना ज्यादा मस्त था कि सब दो दो तीन तीन चार बार खा चुके हैं, तो भैया को थैंक यू कि इतनी ऊपर उन्होंने हमें ताजा खाना और वो भी गर्मा गर्म परोसा, थैंक यू भैया, कल सुबह पराठे खिलाओगे आप? ठीक है, दूध अभी दूध, अरे अभी दूध भी पिलाएंगे, ऐसा लग रहा है कि ऊपर ऊपर ऐसा लग रहा है कि भोले बाबा ने हमारी पार्टी करवाई, देखो बाबा का बुलावा होता ना चले जाते, बाबा ने नहीं बुलाया, आराम करो। तो अब थोड़ा सा जा रही है चक्कर मारने, और हमने अभी तक भोले बाबा के दर्शन नहीं करे, मतलब मंदिर के दर्शन नहीं करे, जबकि हम आरती ले सकते थे, लेकिन इतने ज्यादा थके हुए थे कि हम पहले बैग वैग रख के हमेशा की तरह बैठ ही गए। तो भाई हम मंदिर नहीं गए, वापस आ गए, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब यहाँ पे 5 डिग्री या उससे भी कम थोड़ा सा टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, और कपड़े भी नहीं है मेरे पास, तो नहीं है, मैंने ये डेनिम डाल रखा है, तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो मैं जा रही हूँ सोने, देखो मुझे बोला भी नहीं जा रहा, तो मैं जा रही हूँ सोने, तो कल मिलते हैं, और इस ब्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, तो कल मिलूंगी न्यू ब्लॉग के साथ, गुड नाइट। ये कॉफी वाला कौन है? कॉफी ना चीनी, अच्छा गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध। जय महादेव।